आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, अगर आप अपने फ़ोन में वी आई ऐप में लॉगिन कर रहे हैं या फिर वी आई ऐप में अकाउंट बना रहे हैं तो यहाँ पे नंबर एंटर करने पर जब आपने सेंड ओटीपी पे क्लिक किया है तो यहाँ पे आपका ओटीपी नहीं आ रहा है, ओटीपी रिसीव नहीं हो रहा है। तो ये प्रॉब्लम ठीक कैसे करें, तो इसके लिए वी आई ऐप से बाहर आइए। अब अपने फ़ोन में सेटिंग्स ओपन करिए, फ़ोन की सेटिंग में नीचे आइए, नीचे आकर ये ऐप्स आएगा, इस पर क्लिक करिए। ऊपर अब ये ऐप मैनेजमेंट पे क्लिक करिए। ऐप मैनेजमेंट ओपन होने के बाद अब नीचे आइए और नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपके फ़ोन में ये वी आई ऐप आएगा, वी आई ऐप पे क्लिक करिए। ऊपर अब ये फोर्स स्टॉप करिए, नीचे फिर से फोर्स स्टॉप करिए और नीचे ये स्टोरेज यूसेज पे क्लिक करिए, नीचे ये क्लियर कैशे करिए, ऊपर ये क्लियर डेटा पे क्लिक करिए, डिलीट या फिर ओके करिए। तो ये करने के बाद बैक आइए, अब यहाँ पे ऊपर आइए। ऊपर आने पर अब ये मैसेजेस आएगा, मैसेजेस पे क्लिक करिए, ऊपर ये फोर्स स्टॉप करिए, नीचे फिर से इस पे क्लिक करिए और नीचे स्टोरेज यूसेज पे क्लिक करिए, क्लियर कैशे करिए, ऊपर ये क्लियर डेटा करिए, डिलीट या फिर ओके करिए। तो ये करने से कोई डेटा डिलीट रीसेट नहीं होता है। तो यहाँ पे बैक आइए, बैक आने पर अब अपने फ़ोन में सेटिंग में ऊपर आइए, सिम कार्ड एंड मोबाइल नेटवर्क पे क्लिक करिए। ऊपर ये सिम वन आएगा, सिम टू आएगा, तो जिस सिम कार्ड स्लॉट में सिम वन या फिर सिम टू में आपकी वी आई की सिम है उस सिम पे क्लिक करिए। हमारी वी आई सिम है सिम टू में, तो ये हमने सिम टू पे क्लिक किया। ऊपर ये इनेबल आएगा, ये इनेबल अगर आपके फ़ोन में बंद है तो ये इनेबल ऑन करिए। अब ये इनेबल ऑन होने के बाद नीचे ये प्रेफर्ड नेटवर्क टाइप पे क्लिक करिए। अगर आपका ये 2G 3G सेलेक्ट है तो ऊपर ये 4G सेलेक्ट करिए यहाँ पे। उसके बाद अब बैक आइए, अब अपने फ़ोन में आप वी आई ऐप ओपन करिए और ओपन करने के बाद यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर फिर से एंटर करिए। अब सेंड OTP पे क्लिक करिए, तो अब आपके नंबर पर OTP आ गया है और हमारे फ़ोन में वी आई ऐप लॉगिन हो गया है। तो इस तरीके से वी आई ऐप में लॉगिन प्रॉब्लम या फिर OTP प्रॉब्लम ठीक करें। वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें।